ओम शांति। 20 जून 2024 की साकार मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो, अब बाप के मददगार बन बाप का नाम बाला करो। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उनकी निशानी क्या है? उत्तर, जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहता है, याद के समय बुद्धि कहाँ पर भी भटकती नहीं है, बुद्धि में व्यर्थ के ख्यालात नहीं आते, बुद्धि एकाग्र है, झुटका नहीं खाते, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है, तो इससे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ रहे हैं। ओम शांति। बच्चे इतना समय यहाँ बैठे हैं, दिल में भी आता है कि हम जैसे शिवालय में बैठे हैं। शिव बाबा भी याद आ जाता है, स्वर्ग भी याद आ जाता है, याद से ही सुख मिलता है। ये भी बुद्धि में याद रहे, हम शिवालय में बैठे हैं तो भी खुशी होगी। जाना तो आखिर इन सभी को शिवालय में है, शांति धाम में कोई को बैठ नहीं जाना है। वास्तव में शांति धाम को भी शिवालय कहेंगे, सुख धाम को भी शिवालय कहेंगे, दोनों स्थापन करते हैं। तुम बच्चों को याद भी दोनों को करना है। वह शिवालय है शांति के लिए और वह शिवालय है सुख के लिए। यह है दुख धाम। अभी तुम संगम पर बैठे हो, शांति धाम और सुख धाम के सिवाय और किसकी भी याद नहीं होनी चाहिए। कल कहाँ भी बैठे हो, धंधे आदि में बैठे हो, तो भी बुद्धि में दोनों शिवालय याद आने चाहिए। दुख धाम भूल जाना है। बच्चे जानते हैं ये शिवालय दुख धाम अब खत्म हो जाना है। यहाँ बैठे तुम बच्चों को झुटका आदि भी नहीं आना चाहिए। बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ और तरफ चली जाती है, माया के विघ्न पड़ते हैं। तुम बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे मन मना भव। भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां भी बतलाते हैं। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में ये याद करो कि हम पहले शांति धाम शिवालय में जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। ऐसा याद करने से पाप कटते जाएंगे। जितना तुम याद करते हो उतना कदम बढ़ाते हो। यहाँ और कोई ख्यालात में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो तुम औरों को नुकसान पहुंचाते हो, फायदे के बदले और ही नुकसान करते हो। आगे जब बैठते थे तो सामने कोई भी को जांच करने के लिए बिठाया जाता था, कौन झुटका खाते हैं, कौन आंखें बंद कर बैठते हैं, तो बड़ा खबरदार रहते थे। बाप भी देखते थे इनका बुद्धियोग कहाँ भटकता है क्या, या झुटका खाते हैं क्या। ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते नहीं। ब्राह्मणियां ले आती है, शिव बाबा के आगे बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए, जो गफलत में नहीं रहे, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं। बाप बैठ सिखलाते हैं, यहाँ बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते हैं, तुम तो घंटा 2 घंटा बैठते हो। सब तो महारथी नहीं है, जो कच्चे हैं उनको सावधान करना है। सावधान करने से सुजाग हो जाएंगे। जो याद में नहीं रहते, व्यर्थ ख्यालात चलाते रहते हैं, वह जैसे विघ्न डालते हैं, क्योंकि बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब बैठे हैं। बाबा आज विचार सागर मंथन करके आए। म्यूजियम में अथवा प्रदर्शनी में तुम बच्चे जो शिवालय, वैश्यालय और पुरुषोत्तम संगम युग तीनों ही बताते हो, ये बहुत अच्छा है समझाने के लिए। ये चित्र बहुत बड़े बड़े बनाने चाहिए। सबसे अच्छा बड़ा हॉल इनके लिए होना चाहिए, जो मनुष्यों की बुद्धि में झट बैठे। बच्चों का विचार चलना चाहिए, इसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं।
पुरुषोत्तम संगम युग बहुत अच्छा बनाना चाहिए। उससे मनुष्यों को बहुत अच्छी समझानी मिल सकती है। तपस्या में भी तुम 5-6 को बिठाते हो, परंतु नहीं, 10-15 को तपस्या में बिठाना चाहिए। बड़े बड़े चित्र बनाकर क्लियर अक्षर में लिखना चाहिए। तुम इतना समझाते हो, फिर भी समझते थोड़ी है। तुम मेहनत करते हो समझाने के लिए। पत्थर बुद्धि है ना, तो जितना हो सके अच्छी रीति समझाना चाहिए। जो सर्विस में रहते हैं उन्हों को सर्विस बढ़ाने का ख्याल करना है। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में इतना मजा नहीं है जितना म्यूजियम में। प्रोजेक्टर से तो कुछ भी समझते नहीं। सबसे अच्छा है म्यूजियम, हल छोटा हो। एक कमरे में तो ये शिवालय, वैशालय और पुरुषोत्तम संगम युग का सीन हो। समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बेहद का बाप, बेहद का टीचर आए है तो बैठ थोड़ी जाएंगे कि बच्चे एमए बीए पास कर लो। बाप बैठा थोड़ी रहेगा, थोड़े टाइम में चला जाएगा। बाकी थोड़ा समय है तो भी जागते नहीं। अच्छी अच्छी जो बच्चियां होंगी वह कहेंगी कि इन 400-500 रुपयों के लिए क्या हम मुफ्त अपना टाइम बर्बाद करें। पर शिवालय में हम क्या पद पाएंगे? बाबा देखते हैं कुमारियां तो फ्री है, कल कितना भी बड़ा पगार हो तो भी ये जैसे मुट्ठी में चने हैं। ये सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। बाप चने मुट्ठी अब छुड़ाने आए हैं, परंतु छोड़ते ही नहीं है। उसमें है चने मुट्ठी, इसमें है विश्व की बादशाही। वह तो 5 पैसे के चने हैं, उनके पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। मारियां तो फ्री है, वह पढ़ाई तो 5 पैसे की है। उनको छोड़िए, नॉलेज पढ़ते रहे तो दिमाग भी खुले। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बड़ों बड़ों को बैठ नॉलेज दे। आप आए हैं शिवालय स्थापन करने, ये तो जानते हैं कि यहाँ सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। ये चने भी नसीब में नहीं आएंगे। इसकी मुट्ठी में 5 चने अर्थात 5 लाख होंगे, वह भी खत्म हो जाएंगे। अभी टाइम बहुत थोड़ा है, दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जाती है। अचानक आफतें आ जाती है, मौत भी अचानक होते रहते हैं। मुट्ठी में चने होते ही प्राण निकल जाते हैं। तो मनुष्यों को इस बंदरपने से छुड़ाना है। सिर्फ म्यूजियम देख खुश नहीं होना है, कमाल कर दिखाना है, मनुष्यों को सुधारना है। आप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे रहे, बाकी तो भुगरा अर्थात चना भी किसको नसीब में नहीं आएगा। सब खत्म हो जाएंगे, इससे तो क्यों ना बाप से बादशाही ले लो। कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। घुघरू से अर्थात चनों से मुट्ठी खाली कर हीरे जवाहरातों से मुट्ठी भर कर जाना है। बाप समझाते हैं, बच्चे इन चने मुट्ठी के पिछाड़ी तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? हाँ, कोई बुजुर्ग है, बाल बच्चे बहुत है तो उनको संभालना हो। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, कोई भी आए तो उनको समझाओ कि बाप हमको ये बादशाही देते तो बादशाही लेनी चाहिए ना। अभी तुम्हारी मुट्ठी हीरो से भरी रहे, ये ना अभी हीरो से मुट्ठी। हाँ जी बाबा, बाकी और तो सब विनाश हो जाएंगे। आप समझाते हैं, तुमने 63 जन्म पाप किए हैं, बाकी और तो सब विनाश हो जाएंगे ना। तो क्लियर करते हैं, जो 63 जन्म पाप किए हैं वो तो चुप तू करने हैं, ये तो याद से, या तो फिर सजा खाकर। दूसरा, हाँ पहला कहा बाप समझाते हैं तुमने 63 जन्म पाप किए हैं, दूसरा पाप है, दूसरा पाप है बाप और देवताओं की ग्लानि। तारी भी बने हैं और गाली भी दिया है,
पाप की कितनी ग्लानी की है। पाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे टाइम नहीं गवाना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा हम याद नहीं कर सकते। बोलो बाबा हम अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते, अपने को भूल जाते हैं। यह अभिमान में आना गोया अपने को भूल। अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते तो बाप को फिर कैसे याद करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल, सहज भी बहुत है। बाकी हाँ, माया का अपोजिशन होता है। मनुष्य गीता आदि बल पढ़ते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। भारत की ही मुख्य गीता है। हर एक धर्म का अपना अपना एक शास्त्र है। जो धर्म स्थापन करने वाले हैं उनको सद्गुरु नहीं कह सकते, ये बड़ी भूल। सद्गुरु तो एक ही है, बाकी गुरु कहलाने वाले तो ढेर है। कोई ने कारपेंटर का काम सिखाया, इंजीनियर का काम सिखाया, तो वह भी गुरु हो गया। हर एक सिखलाने वाला गुरु होता है, सद्गुरु एक ही है। अब तुमको सद्गुरु मिला है, तो सत्य बाप है तो सत्य टीचर भी है। इसलिए बच्चों को जास्ती गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ से अच्छी रीति रिफ्रेश होकर जाते हैं, फिर घर जाने से यहाँ का सब भूल जाते हैं। गर्भ जेल में बहुत सजाएं मिलती है, वहां तो गर्भ महल होता है। सत्युग विकर्म कोई होता नहीं जो सजा खानी पड़े। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बाप के सम्मुख पढ़ रहे हैं। बाप से सम्मुख में पढ़ रहे हैं ना सभी। बाहर अपने घर में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहां समझेंगे भाई भाई पढ़ाते हैं। तो डायरेक्ट बाप के पास आए हैं। बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बाप की और बच्चों की समझानी में फर्क हो जाता है। बाप बैठ बच्चों को सावधान करते, बच्चे बच्चे कहे समझाते हैं। तुम शिवालय और वैश्यालय को समझते हो, बेहद की बात है। ये क्लियर कर दिखाओ तो मनुष्यों को कुछ मजा आए। वहां तो ऐसे ही हंसी कूड़ी में समझाते हो। सीरियस हो समझाओ तो अच्छी रीति समझे। रहम करो अपने पर। क्या इस वैश्यालय में ही रहना है? बाबा के ख्यालात तो चलते हैं ना, कैसे कैसे समझाएं? बच्चे कितनी मेहनत करते हैं फिर भी जैसे डिब्बी में ठिकरी। हाँ हाँ करते जाते हैं, बहुत अच्छा है। गांव में समझाना चाहिए, खुद नहीं समझते। साहूकार पैसे वाले लोग तो समझेंगे भी नहीं, बिल्कुल अटेंशन ही नहीं देंगे। वह पिछाड़ी में आएंगे, फिर तो टू लेट हो जाएंगे। न उनका धन काम में आएगा, न योग में रह सकेंगे। ताकि हाँ सुनेंगे तो प्रजा में आएंगे, गरीब बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। तुम कन्याओं के पास क्या है? कन्या को गरीब कहा जाता है क्योंकि बाप का वर्षा तो बच्चे को मिलता है। बाकी कन्यादान दिया जाता है तब विकार में जाती है। कहेंगे शादी करो तो पैसे देंगे, पवित्र रहना है तो पाई पैसे भी नहीं देंगे। मनोवृत्ति देखो कैसी। तुम कोई से भी डरो मत, खुली रीति समझाना चाहिए, फुर्त होना चाहिए। तुम तो बिल्कुल सच कहते हो। यह है संगमयुग, उस तरफ है चने मुट्ठी, इस तरफ है हीरो की मुट्ठी। अभी तुम बंदर से मंदिर लायक बनते हो। पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए ना। शक्ल भी बहादुर शेरनी जैसी होनी चाहिए। कोई कोई की शक्ल जैसे रीढ़ बकरी मिसल है, थोड़ा आवाज से डर जाएंगे। तो बाप सभी बच्चों को खबरदार करते हैं, कन्याओं को फंसना नहीं चाहिए, और ही बंधन में फंसेंगे तो फिर कार के लिए डंडे खाएंगे। ज्ञान अच्छी रीति धारण करेंगे तो विश्व की महारानी बनेंगी। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया, परंतु किसी किसी के नसीब में नहीं। बाप है ही गरीब निवास, गरीब है कन्याएं। माँ बाप शादी नहीं करा सकते तो दे देते हैं,
उनको नशा चढ़ना चाहिए। हम अच्छी रीति पढ़कर पद तो अच्छा पाएं। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। हम पास भी तो ऑनर हो जाए, उनको ही फिर स्कॉलरशिप मिलती। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, वो भी 21 जन्म के लिए। यहाँ है अल्पकाल का सुख, आज कुछ मर्तबा कल मौत आ गया खलास। योगी और भोगी में फर्क है ना। बाप कहते हैं गरीबों पर ज्यादा अटेंशन दो, साहूकार मुश्किल उठाएंगे। सिर्फ कहते बहुत अच्छा है, संस्था बहुत अच्छी है, बहुतों का कल्याण करेगी, अपना कुछ भी कल्याण नहीं करते। बहुत अच्छा कहा, बाहर गए खलास। माया डंडा उठाकर बैठी है जो हौसला ही गुम कर देती है। एक ही थप्पड़ लगाने से अकल चट कर देती। आप समझाते हैं भारत का हाल देखो क्या हो गया है। बच्चों ने ड्रामा को तो अच्छी रीति समझा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को याद प्यार, मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, प्रिया बाबा शुक्रिया। खाना के लिए सार है पहली पॉइंट, चने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी भी बात में डरना नहीं, निडर बन बंधनों से मुक्त होना, अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। दूसरा, इस दुखधाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम सुख को याद करना है। माया के विघ्नों को जान, उनसे सावधान है। आज का मीठा गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। इसका विश्लेषण है, गीता ज्ञान का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो, और अंतिम पाठ है नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनो। पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो हर समय पहले स्वयं ये पाठ पढ़ो, फिर औरों को पढ़ाओ। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। दोगन, परमात्मा स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। परमात्मा स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। आज का सम्मान है नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप आत्मा। है नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप व्यक्ति शरण, फरिश्तों की दुनिया में रहकर इस साकार दुनिया में कर्म करने के लिए आओ। कर्म क्या, कर्मयोगी बने फिर फरिश्ते बन जाओ। यही अभ्यास करते रहो, सदा यही स्मृति रहे कि मैं फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला अव्यक्त फरिश्ता, फर्श निवासी नहीं अर्श निवासी हूँ। फरिश्ता अर्थात इस विकारी दुनिया अर्थात विकारी दृष्टि व वृत्ति से परे रहने वाले। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। ओम शांति।